power sharing, class 10th की बुक, सिविक्स का पहला चैप्टर है, जो सोशल साइंस का भाग है। आज हम इसमें से अध्ययन करेंगे और पावर शेयरिंग, सम ऑफ यू मे नो व्हाट इज पावर शेयरिंग क्या है, इसके बारे में कई लोग आप लोग जानते भी होंगे। समटाइम यू कंपेयर पावर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स आर देयर, बट दिस पावर इज नॉट रिलेटेड टू योर मसल पावर और वेल्थ पावर एंड हैविंग डिफरेंट टाइप्स पावर इज देयर। दिस इज द अथॉरिटी व्हिच रूल्ड बाय गवर्नमेंट एंड दिस थिंग्स आर हियर गिवन इन चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ, पावर प्लस शेयरिंग। One authority which is governor, a government is ruling with the power, he is having the complete authority. Now you may imagine, if without having authority, how he could do lockdown and shut down, these things are going on. You can imagine the power of government. The same power, how it is implemented by sharing and by giving others, like our government sharing, the same power how it is given to the state government and central government to state government to local government, like this powers have been given. So today we will discuss power sharing. Last year also you might have studied in class 9. This chapter we resume the tour of democracy that we started last year. इस chapter में हम लोग एक प्रजातंत्र की यात्रा को देखेंगे, जो प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी किस तरह पूरा विश्व में फैला हुआ है, और उस बेस पे हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़े थे, इस जगह पे डेमोक्रेसी, ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या होता है, केवल एक पास ही सब अधिकार नहीं होता, अथॉरिटी नहीं होता है, वन ऑर्गन केवल एक ही पास नहीं होता। अनइंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर एमंग लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, ये पावर किस किस शेयर कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दिस पावर हैव बीन डिवाइडेड। ये पावर लेजिस्लेटिव जो MLA MPs होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो हमारे अधिकारी होते हैं IAS ऑफिसर, जुडिशरी, यू नो जुडिशरी, व्हाट इज जुडिशरी, ऑल courts and this Supreme Court, High Court, these things are, this power have been distributed, a power is given to the all. That is called power sharing. It's very important to design of a democracy. और ये बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में ये होना अति आवश्यक, अदरवाइज इट विल बी लाइक डिक्टेटरशिप, अकेला ही कहना, एक ही की बात के आधार पर करना, ये डिक्टेटरशिप में माना जाएगा। इसी कारण से ये डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है पावर का शेयर होना। इन दिस एंड ही द नेक्स्ट टू चैप्टर वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। इस चैप्टर में और अगले दो चैप्टर में भी इसी के आइडिया को ही हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 10th इस पहला अध्याय में और दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में सेम विषय ही होगा। और जानते हैं इसमें जो लिखा गया है, ये सारे विषय जो आज के परिवेश में, आज की पृष्ठभूमि में भी हम लोग पहचान सकते हैं किस तरह अभी हो रहा है, इस चीज़ों को ध्यान रखने के लिए हम पढ़ेंगे। यहाँ दो कंट्री के बारे में एग्जांपल के तौर पर दिया गया है, ये रिटर्न पावर सेलिंग। वी स्टार्ट विथ टू स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। You know Belgium is in situated in Europe country, a continent, and this is Sri Lanka just below India. You might have seen in map. Both these stories are about how democracies handle demand for power sharing.
यहाँ पे जो हम लोग दोनों कहानी के माध्यम दोनों देशों का स्टोरी के जरिए सब पढ़ पाएंगे किस तरह पावर का शेयर करना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, डिमांड माने एक जरूरी पड़ता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द स्टोरी यील्ड्स सम जनरल कंक्लूशन अबाउट द नीड ऑफ फॉर पावर शेयरिंग। इस कहानी में इस चीज़ों का नतीजा में आता है और इन मांग करता है कि पावर का शेयर करना कितना आवश्यक है, कितना ही जरूरी, कितना महत्व है। दिस अलाउज टू डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग टू चैप्टर। और ये सारे से हम सीखने को मिलेगा हमें कितना महत्व होता है, हम लोग का जो भी अथॉरिटी होता है घर पे भी पापा का, मम्मी का और बच्चों का, सबका जिम्मेदारी अलग होती है। गांव में भी विलेज प्रधान होते हैं, चीफ होते हैं और अलग अलग अधिकारी होते हैं जिससे जिम्मेदारियां होती है। ये बहुत ज़रूरी होता है पावर को शेयर करना। जब हम आगे बढ़ते हैं, दिस बेल्जियम, लेट मी टेल अबाउट द बेल्जियम। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम कोई बड़ा शहर नहीं है, बड़ा देश नहीं है, ये हमारे एक स्टेट जो हरियाणा की तरह ही है और इसमें नॉट मोर देन ओवर लिटिल ओवर 1 करोड़, थोड़ा सा ज़्यादा 1 करोड़ से जनसंख्या है, जबकि हमारे हरियाणा में उससे भी ज़्यादा है, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा की जितने आबादी है उससे आधा कहाँ पे है, बेल्जियम में। वहाँ के लोगों में 59% लोग क्या भाषा बात करते हैं, वहाँ पर भी बहुत प्रकार के एथनिक ग्रुप, बहुत किस्म के, बहुत नस्लें पाई जाती हैं वहाँ पे, कहाँ पे, बेल्जियम में। स्मॉल कंट्रीज वेरी कॉम्प्लेक्स ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% ऑफ लाइव इन द फ्लेमिस रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। बेल्जियम के 59% जो लोग हैं वो फ्रेंच डच का इस्तेमाल करते हैं और 40% लोग कहाँ रहते, वालेनिया रीजन में, जो फ्रेंच स्पीकिंग करते हैं। बाकी जो बचे 1% दे स्पीक जर्मन लैंग्वेज। 3 languages have been speaking spoken there. First is Dutch, second is French, third is German. So keep in mind, Dutch language speaking people are 59% and French people are 40% and German people are only 1%. Only 1% they are speaking. So here is the problem. How majority are dominating, those things we are going to say ahead. See ahead, French people. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. यहाँ पे जो minority, कौन है minority? French speaking people. Dutch are majority. So French speaking people are powerful and rich. This was resented by the, ये किस चीज़ों को, ये क्या करता है, ये टेंशन को बिटवीन द टू कम्युनिटीज, आपस में जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के अंदर आपस में टेंशन रहता है, वाज मोर एक्यूट इन ब्रजल। ब्रजल में हमेशा, ब्रजल तो कैपिटल है बेल्जियम का, वहाँ पे हमेशा तनाव बना रहता है। प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड ए मेजोरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। यहाँ डच स्पीकिंग पीपल क्या है, कंट्री में तो मेजोरिटी में है पर कंस्टिट्यूटेड मेजोरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। कैपिटल में जो ब्राजील कैपिटल है वहाँ पे इन लोग माइनॉरिटी तौर पर जाना, क्यों, बिकॉज ऑल पीपल दे स्पीक फ्रेंच ब्राजील। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। इस तरह बेल्जियम का स्टोरी है, 59% दो दे आर इन मेजोरिटी एंड 40% दे आर इन माइनॉरिटीज एंड 1% दे आर जर्मन स्पीकिंग पीपल। सो इन लोग क्या है, मेजोरिटी होता है हो है और बाकी माइनॉरिटी में गिना जाए तो उनके साथ किस तरह भेदभाव, भाषा संबंधित हो या उनका वार्तालाप, जो भी चीज़ें, उसी तरह हम दूसरे कंट्री के साथ जब तुलना करते हैं, श्रीलंका, श्रीलंका में एक आइलैंड है, नेशन है जो हमारे इंडिया के नीचे देखते हैं, जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। तमिलनाडु कुछ ही किलोमीटर के बाद हम
श्रीलंका को देखते हैं, इट हैज अबाउट 2 crore ऑफ पीपल। श्रीलंका का आबादी कितना है? अराउंड 2 crore। नाउ इट मे मोर, बट व्हेन बुक वाज रिटन एट द टाइम इट वाज 2 crore पीपल। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, हरियाणा ऑल्सो 2 crore पीपल आर देयर। तो सेम लाइक हरियाणा, लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, वहाँ भी बसते हैं। नॉट ओनली इंडिया, श्रीलंका ऑल्सो हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप आर इन द सिन्हाला स्पीकर, और वहाँ पे जो समाज में जो सोशल ग्रुप है, मेजर सोशल ग्रुप जो लोग हैं, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर 74% एंड तमिल स्पीकर आर 80%। एमंग तमिल ऑल्सो देर आर 2 groups विच आर इंडियन तमिल्स आर देयर, श्रीलंकन तमिल्स आर देयर, 2 groups आर देयर। ये रिटर्न श्रीलंकन तमिल्स आर 13% आर रिमेनिंग, अदर्स आर दोज हू हैव गॉन फ्रॉम इंडिया। व्हाई दे हैव गॉन? प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल। जिन्होंने कॉलोनियल पीरियड जो ब्रिटिश रूलिंग था उस समय जो लोग प्लांटेशन के लिए गए हुए थे काम करने के लिए, उन लोग जाके वहाँ बस गए श्रीलंका में, उन्हें इंडियन तमिल कहते हैं जो तमिलनाडु से लोग गए हुए हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। सिन्हाला पीपल आर हाउ मच परसेंटेज? आई टोल्ड यू दे आर बुद्धिस्ट 74% एंड दे आर बिलोंग टू बौद्ध धर्म। वेल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू मुस्लिम, देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। और वहाँ पे क्या है, बाकी जो तमिलियंस हैं उनमें से हिंदू हैं एंड मुस्लिम, बट सिन्हाला पीपल मोस्ट ऑफ द पीपल आर दे आर बुद्धिस्ट। एंड एमंग देम द जस्ट इमेजिन, सिन्हाला पीपल पॉपुलेशन इज मोर, दे आर इन मेजोरिटी 74% एंड अदर्स 18%। दे स्पीक एमंग बोथ तमिलियंस आर देर, इंडियन तमिल एंड श्रीलंकन तमिल, तमिलियंस आर देर एंड मेजोरिटी पीपल दे फॉलो बुद्धिस्ट एंड अदर आर हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम। The Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population। और क्या है, इनका मेजोरिटी होने की वजह से ये बाध्यता समाज में भी और जहाँ रहते हैं समूह में भी, ये क्या अपने मेजोरिटी को दर्शा करके क्या है बाध्यता कर सकते हैं किसी चीज़ों पर। दिस वुड पुश द कंफ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर, और यही क्या है एक युद्ध या विद्रोह या दुश्मनी या तनाव को पैदा कर सकता है। दिस कुड लीड टू ए वेरी मैसी पार्टीशन, और ये क्या कर सकता है एक बहुत बड़ा एक विभाजन को पैदा कर सकता है ऑफ द कंट्री। एक भेदभाव को जब होता है तो एक विभाजन भी हो सकता है देश में। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रजल्स। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दिस कंट्री। यहाँ पे देखते हैं सिन्हाला स्पीकिंग 74% पीपल आर देयर, दे आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग द कैपिटल प्लेस एंड दे इंजॉय द कंप्लीट फ्रीडम बिकॉज ऑफ दे हैव बिगर मेजोरिटी। और हम देख रहे हैं बेल्जियम में भी क्या हुआ था, बेल्जियम में भी डच स्पीकिंग पीपल आर देयर इन मेजोरिटी। हाउ दे सी दिस बोथ कंट्री हाउ देयर कंडीशन व्हाट हैपन बिकॉज ऑफ देयर, यू हैव टू कीप इन माइंड दोनों कहानी में वहाँ पे डच यहाँ पे सिन्हाला क्या मेजोरिटी है, मेजोरिटीज़म इन श्रीलंका। श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। कीप इन माइंड श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, 1948 में।
You may know our country has got freedom 1947, just 1 year after Sri Lanka also got independence. Thus, the leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue their majority. Sinhala community ke log jo hai, un log ye mang karne utha, mang karne lage ki hame sarkari mein har cheezon mein unhi mahatva ya unhi ka hi chalna chahiye. Government mein, place mein, position mein, har jagah unka log hi aana chahiye. As a result, the democratical elected government adopted a series of majoritarian मतलब जो बहुमत में होगा, जो majority में होगा, उन्हीं का supremacy, उन्हीं का चलेगा. Major to establish Sinhala supremacy. उन लोग चाहते हैं, माने उन लोग का majority होने की वजह से, उन लोग कहने लगे हम लोग majority में हैं, सब कुछ हमारा ही चलना चाहिए, हम लोग का प्राथमिकता देना चाहिए. कहाँ पे? श्रीलंका में. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. 1956 में वहाँ पे एक मांग या पास के एक्ट पास किया गया जो सिन्हाला भाषा को ही रिकॉग्नाइज माने उसे मान्यता दिया जाए ऑफिशियल लैंग्वेज तौर पे और तमिल को नकार दिया गया, तमिल को कुछ महत्व नहीं दिया गया. द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजिशन गवर्नमेंट जॉब और सरकार भी क्या की हर क्षेत्र में सिन्हाला लोगों को ही महत्व दिया गया. यूनिवर्सिटी में किसी भी पद में किसी भी बड़े पद में रखना किसी भी नौकरी में हर क्षेत्र में उन्हीं का महत्व दिया गया. ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म. बुद्धिज्म वाले कौन हैं? Sinhala speaking people are there because of them to you know to protect them you know to spread their Buddhism. Government has made another constitution, एक दूसरा संविधान बनाए उन लोग. ये सारे क्योंकि majority में थे जो चाहे वो कर रहे थे. All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. और ये सारा सरकार बहुमत होने के नाते मेजोरिटेरियन जो नियम लगा दिया गया बहुमत की जो लोग हैं उन्हीं का चलना है तो इस जब इस तरह कार्य बढ़ते गया तो इनके बीच में बहुत ही फर्क महसूस हुआ या अलगपन या एक भेदभाव एहसास करने लगे जो श्रीलंकन तमिल थे. श्रीलंकन तमिल्स हियर इंडियन तमिल्स आर देयर बट श्रीलंकन तमिल्स दे फील दे आर आइसोलेटेड देमसेल्फ माने सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है. दे फेल्ट दैट नोन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर एंड दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट discriminated against them in the getting job and ignore their interest. As a result, the relaxation यहाँ पे क्या हुआ? सरकारी कामकाजों में हर क्षेत्र में भेदभाव होने लगा. सिन्हाला का ही चलता रहा क्योंकि मेजोरिटी में है पर दूसरे इंडियन तमिल श्रीलंकन तमिल उनके साथ भेदभाव होने लगा. बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल उसी वजह से सिन्हाला और तमिल के बीच में टकराव होने लगा. कम्युनिटी स्ट्रेन ओवर ए टाइम और कई समय तक इन लोग क्या है एक दूसरे से आपस में मिल नहीं पा रहे थे एक दूसरे से अलग रह रहे थे. द श्रीलंकन तमिल लंच पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. और श्रीलंकन तमिल्स लोग क्या किए एक पार्टी को लंच किए जिसका मांग थी कि उनकी भाषा जो तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे मान्यता दिया जाए. फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब. और चाहते थे हमारी भाषा को माने उसको भी मान्यता दी जाए और हर क्षेत्र में हमें भी महत्व दिया जाए जॉब में सरकारी नौकरी में और किसी भी पद में जाने के लिए हमारे लोगों का भी सम्मान किया जाए और उनको भी नौकरी दिया जाए. But the demand for more
autonomy and provinces populated by the Tamils were repeatedly denied. इसके बाद भी उनकी जो डिमांड थी इसको बार बार उन लोगों को नकार दिया. By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Alam. और उन्होंने क्या है 1980 में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को मैंने स्थापना किया गया और इसी चीज़ को मांग किए एक स्वतंत्र आज़ादी तमिल एलम स्टेट माने एक तमिल राज्य बनाने के लिए इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका ओनली 2 crore ऑफ पीपल आर देयर बट अमंग देम आल्सो दे आर बिकॉज दे आर आइसोलेटेड दे फील देमसेल्फ दैट दे हैव बीन आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ दैट डिमांड दैट तमिल एलम मतलब तमिल एक अलग राज्य बन जाए. उसी के अंदर ही तमिल राज्य एक अलग बना क्यों उनके साथ भेदभाव हो रहा था. सो द डिस्ट्रक्शन बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट. और जो विनाश था जो डिस्ट्रस्ट था जो एक दूसरे को भरोसा नहीं था जो एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते थे ये क्या है एक इस तरह बहुत बड़ा एक कन्फ्लिक्ट को पैदा कर दिया बहुत बड़ा टकराव को जन्म दिया. इट सून टर्न इनटू ए सिविल वार और बहुत जल्दी ये सिविल वार में बदल गया. एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड और उसी वजह से बहुत हजारों की संख्या में दोनों कम्युनिटी में से दोनों समूह में से मारे गए. मैनी फैमिलीज वेयर फोर्स टू लीव द कंट्री और बहुत सारे परिवार थे और बाध्य हुए देश को छोड़ के भागने के लिए वहाँ से पलायन करने के लिए. एज रेफ्यूजी एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड और बहुत सारे लोग एक शरणार्थी तौर पर लोग भाग चले गए दूसरे देशों में और बहुत लोग अपना लाइवलीहुड जो अपने जीविका को सब कुछ खो दिए थे. यू हैव रेड चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक क्लास 10. आप जब इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक पहला चैप्टर में होगा. अबाउट श्रीलंकन एक्सलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ बट द सिविल वॉर हैज कास्ट ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द कंट्री. श्रीलंकन बहुत ही डेवलपमेंट में आगे थे एजुकेशन शिक्षा हेल्थ स्वास्थ्य सब चीज़ों में बहुत बढ़िया थे. आप पढ़े होंगे जो इकोनॉमिक बुक हो स्ट्रेंथ का उसी बुक में पहला चैप्टर में दिया गया उनका इकोनॉमी किस तरह नीचे चला गया बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर आपस में बिकॉज ऑफ मेजोरिटी पार्टी एंड दिस माइनॉरिटी हु सिनाला स्पीकिंग एंड तमिल अमंग देम ऑन द कन्फ्लिक्ट ब्रोक एंड इट बिकेम वार कन्वर्ट टू सिविल वार. सो उसी वजह से क्या है सोशल टेरिबल सेटबैक ऑफ द टू द सोशल एंड कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री वहाँ के इस चीज़ों में बहुत बड़ा चेंजेस आया. वी आर गोइंग टू कंक्लूड हियर अगेन नेक्स्ट क्लास वी विल सी एकोमोडेशन इन बेल्जियम. श्रीलंका घटना याद रखिएगा यहाँ पे किसी प्रकार का पावर है लेकिन कुछ नहीं कर पाए आपस में टकरा हुआ उन्हीं का नुकसान उस देश का ही नुकसान हुआ. कितना उन लोग डेवलपमेंट में आगे थे सब चीज़ एजुकेशन सब चीज़ में लेकिन उनके बीच में वार होने हुआ और जिस वजह से सेटबैक मान उनका कल्चर इकोनॉमिक लाइफ कंट्री पूरा गिर गया नीचे चला गया. लेकिन हम कल देखें दूसरे क्लास में एकोमोडेशन इन बेल्जियम इस चीज़ों को आप रिपीट करेंगे और पढ़ के आएंगे. थैंक यू हैव अ गुड.